हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इसके पहले के वीडियो में आपने यहाँ पे एक्सरसाइज 8A देखा था। अब आज आपका एक्सरसाइज 8B है। 8B में आपके यहाँ पे प्रपोर्शन है, ठीक है। 8B में प्रपोर्शन है। अब यहाँ प्रपोर्शन में देखिए प्रपोर्शन होता क्या है। देखिए जैसे अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि ए बी सी और डी, ये 4 आपके जो है नंबर्स गिवेन है, तो इन नंबर्स में अगर हम ये कहें कि ए इज टू बी, मतलब इन दोनों का रेशियो, ठीक है, वो किसके सी इज टू डी, इन दोनों के रेशियो का अगर इक्वल हुआ, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों क्या है, प्रपोर्शन में है। हम कहेंगे तब ये जो चारों नंबर ये क्या है, प्रपोर्शन। अगर ए और बी दोनों का जो रेशियो है वो सी और डी दोनों के रेशियो के इक्वल हुआ, तो हम कहते हैं ये क्या है, ये प्रपोर्शन में है। तो और हम इसको लिखते क्या हैं, ए इज टू बी, प्रपोर्शन को हम ए इज टू बी सेम एज टू सी इज टू डी, ए इज टू बी सेम एज टू सी इज टू डी, ठीक है। ये इसको हम रीड करते हैं और लिखते ऐसे हैं, बीच में आपका यहाँ पे 2 पॉइंट लगेगा दो बार, ठीक है। अब देखिए ये वाला आपका कहलाता है, ये दोनों कहलाएंगे आपके एक्सट्रीम टर्म, और फिर ये दोनों कहलाएंगे क्या, मिडिल टर्म, ठीक है। इन दोनों का हम एक्सट्रीम टर्म कहते हैं, और फिर यहाँ पे इन दोनों को हम कहते हैं मिडिल टर्म कहते हैं, या मीन टर्म के भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं, मीन टर्म भी कहते हैं। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए डी जो है, डी ये 4th प्रोपोर्शनल कहलाता है। डी क्या कहलाता है, वो 4th प्रोपोर्शनल कहलाता है, समझ आ गया। इसको डी को हमेशा 4th प्रोपोर्शनल ही कहते हैं यहाँ पे। अब इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, और ये जहाँ डी देखो आपका यहाँ पे क्या है, 4th प्रपोर्शनल है। बाकी ए बी सी जो है ये क्या कहलाएंगे, कंटिन्यूड, क्या कहलाएंगे, कंटिन्यूड प्रपोर्शन कहलाएंगे, ठीक है। सी यहाँ पे आपका 3rd प्रपोर्शनल कहलाता है। सी क्या कहलाएगा, 3rd प्रपोर्शनल कहलाता है। बाकी आप ए और बी को जानते ही हो यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से अब यहाँ पे आपके बेस्ट क्वेश्चंस हैं। अब जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन यही है आपका आ गया है कि फाइंड करना है कि ये आपका है कि नहीं है। देखिए फाइंड जो हेलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें 30, 40, 45 and 60 ये प्रपोर्शन में है कि नहीं है। तो हम देखिए ये एक्सट्रीम टर्म है, एक्सट्रीम टर्म अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई मीन टर्म के इक्वल होगा, तो यहाँ पे प्रपोर्शन देखिए 30 × 60 इक्वल टू कितना आ गया, 100 1800। अब यहाँ पे 40 × 45 इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे देखिए दोनों बराबर आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ लिख देना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म ऐसे लिखना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू इतना, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है तो नीचे लिख देना कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू मीन प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, देयरफॉर दे आर इन प्रपोर्शन, बस इतना लिखना आपको ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ दिया गया है 2:2, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 2:9 सेम एज टू x = 27। अब यहाँ पर हमें x वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेम इज कंडीशन, 2 का मल्टीप्लाई 27 में, 9 का मल्टीप्लाई x में, तो यहाँ देखिए 9 × x = 2 × 27, देन एक्स इज्कवल टू क्या आएगा, 2 × 27/9, 9 से डिवाइड करें, 9 3 जा, ठीक है, देन आपका हो जाएगा 3 2 जा, एक्स इज्कवल टू कितना आ गया, 6, ये आंसर आ गया, ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर आप 6 देखते हो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 6 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड आपके 4th प्रपोर्शनल 8, 36 and 6, यही है आपको 4th प्रपोर्शनल फाइंड। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट द 4th प्रपोर्शनल, 4th है
नल बी यक्स, तो ये हो जाएगा आप इसको प्रोपोर्शनल फॉर्म लिखिए, एट इज टू थ्री सेम एज टू सिक्स इज टू यक्स। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे एट का यहाँ पे सिक्स और फिर यहाँ पे, तो हो जाएगा एट इंटू यक्स इजक्वल टू थर्टी सिक्स इंटू सिक्स, देन यक्स इजक्वल टू थर्टी सिक्स इंटू सिक्स अपान एट। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब इसको फिर आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे टू थ्री जार टू फोर जार फोर नाइन जार आया कितना 27, यन नाइन थ्री जार 27 27 यहाँ पे क्या यक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप कर सकते हो, इसमें ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन, देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन मेरा फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल जैसे एट एंड ट्वेल्व दिया, एट एंड ट्वेल्व। ठीक है, जब एट और ट्वेल्व दिया गया तो पूछा है क्या थर्ड प्रोपोर्शनल आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें जब थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करेगा तो हम लेट करते हैं, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल बी यस। जब थर्ड प्रोपोर्शनल आपका यहाँ पे x मान लिया है आपने, तो ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा इसके में यहाँ पे एट इज टू ट्वेल्व, तो ये आपका x जो है वो आपका फोर्थ पे जाएगा, ये कहाँ जाएगा यहाँ पे फोर्थ पे जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एट इज टू ट्वेल्व सेम एज टू ट्वेल्व इज टू यक्स, ये ऐसे होगा। ठीक है, जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करेगा तो थर्ड प्रोपोर्शनल आपका यहाँ पे यही आप रिपीट करोगे ट्वेल्व को और इंटू यक्स, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको फाइंड करिए इसी को, तो ये हो जाएगा एट इंटू यक्स ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व, तो एट इंटू यक्स इजक्वल टू ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व, देन यक्स इजक्वल टू ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व अपान एट। ठीक है, फोर थ्री जा फोर टू जा टू सिक्स जा सिक्स थ्री जा एटीन, एटीन यहाँ पे क्या हो गया आपका आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है आपका?